नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। एक आईएएस के रूप में सोशल मीडिया पर सर्वाधिक सक्रिय रहने वाली प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रही हैं और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके लखनऊ स्थित आवास पर सीबीआई द्वारा छापा मार दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि यूपी कैडर की सबसे चर्चित आईएएस अफसर बी चंद्रकला के निवास पर सीबीआई द्वारा छापा क्यों मारा गया। तो इस पूरे मामले में जब तहकीकात की गई तो पता यह चला कि हमीरपुर के अवैध खनन मामले में सीबीआई को कुछ दस्तावेजों की तलाश थी और इन्हीं दस्तावेजों की तलाश को लेकर बी चंद्रकला के घर पर छापा मारा गया। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हमीरपुर के अवैध खनन मामले में बी चंद्रकला की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है। जब छापा मारा गया तो यह भी पता चला कि बी चंद्रकला अपने निवास पर नहीं थी। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की टीम द्वारा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, जालौन और अनेक स्थानों पर छापामारी की गई है। बी चंद्रकला पर यह भी आरोप लगा था पिछले दिनों, खासकर जुलाई 2012 के बाद, कि उन्होंने हमीरपुर में 50 मोरंग खनन के पट्टे स्वीकृत कर दिए थे। हालांकि उस समय ई टेंडर के माध्यम से ये टेंडर दिए जाने थे, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए और नियमों को अनदेखा करते हुए अवैधानिक रूप से ई टेंडर की बजाय सीधे सीधे ये खनन अलाट कर दिए गए।